देवास जिले के उपवन मंडल बागली के डहरी जंगल में वन विभाग की लापरवाही के कारण वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। 30 से 40 की संख्या में बाहरी लोग हथियारों के साथ जंगल में प्रवेश करते हैं और हरे भरे पेड़ों को काटने का काम करते हैं। वन विभाग को चकमा देकर ये लोग जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। इतने महिला पुरुषों को जंगल से खदेड़ना वन कर्मियों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वन विभाग में स्टाफ की कमी होने की बात कह रहे हैं, जिसके कारण वनकर्मी इन लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं। इसी को लेकर वन विभाग के बागली SDO अमित सोलंकी ने स्थानीय लोगों की बैठक ली, जिसमें कहा कि जंगल आप लोगों का भी है, हमारे साथ साथ आपको भी इसकी सुरक्षा करना चाहिए। अगर आप लोगों को अवैध कटाई की जानकारी लगती है तो आप तत्काल हमें सूचित करें और वन विभाग के स्टाफ का सहयोग करें। अवैध कटाई, अवैध अतिक्रमण, इसको लेके निंदाय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीण लोग भी आए थे। इसका मेन उद्देश्य यह था कि गांव के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, पत्रकार महोदय के साथ में, किस प्रकार से अवैध कटाई और अवैध अतिक्रमण की घटनाओं पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। तो बैठक इस संबंध में रखी गई थी और कोशिश जारी है, और भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपराधों पर अंकुश लगा सकें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।